बलरामपुर जयपर्दा उस वक्त जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गयी जब उन्होंने अपने राजनीतिक विपक्षी आजम खान के अमर्यादित बयान का जिक्र किया। जयपर्दा आजम खान को अपना भाई बोलती थी, लेकिन आजम खान द्वारा लगातार जयपर्दा के लिए अमर्यादित बयान आने के बाद जयपर्दा ने मैदान जंग का आगाज कर दिया है। जयपर्दा ने कहा कि एक बहन के लिए इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल करना, बहन क्या पहन रही है, बहन किस तरह के कपड़े पहनती है, बहन किस रंग के कपड़े पहनती है, ये जरूरी नहीं एक भाई को, ये आपके लिए ठीक नहीं। जयपर्दा ने कहा, मैं महिला हूं, लेकिन आपकी धमकियों से, आपकी टिप्पणियों से, आपकी अभद्र शब्दों से यहां रामपुर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसा आप सोच रहे हैं तो मैं कभी इस रामपुर को, इस जमी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा है, इस रामपुर के लिए मैं समर्पित रहूंगी। और भावुक होकर जयपर्दा ने जनता दरबार में कहा, मरते तक सांस जीना यहां, मरना यहां, इसके जाना कहा। अब देखना ये होगा, चुनावी दौर में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हैं। अब देखना होगा कि ये आंसू कौन से वाले आंसू हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, कहा मैंने गुनाह किया है, भाई को भाई कहना गुनाह हो तो मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन भाई के नजर पता नहीं है किस तरह है। वो कोई पत्रकार नहीं, इस इंसान, इस धरती में कोई भी इंसान उसको खुलकर आपके सामने बता नहीं सकता है। और मैं महिला होते हुए भी इससे शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है, इसके लिए इनसे ऐसे भाई होना ये लानत है मेरे लिए। मैं इस शर्मनाक इस मौके पर मेरे मन रो रहा है। बहन क्या पहन रही है, बहन किस तरह के कपड़ा पहनती है, बहन किस तरह के रंग के कपड़ा पहनती है, ये जरूरत नहीं है भाई के, ये जरूरत नहीं है आजम साहब, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आज मैं महिला हूँ, लेकिन मैं आपकी धमकियों से, आपके टिप्पणियों से, आपके अभद्र शब्द से इस रामपुर छोड़ के जाऊंगी। इस तरह आप सोच रहे हैं तो मैं कभी इस रामपुर को, इस जमीन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक देखिए, मैं सबसे पहले आजम खान साहब का इस टिप्पणी पर मैं बहुत आहत हूँ और पूरे देश सुना, देश हमारे साथ दे रहे और देश के साथ साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सब ने मेरे साथ खड़े होके उन्होंने मुझे समर्थन दिया। और मैं चुनाव आयोग पर भी मैंने कल अपील किया था, तो उन्होंने इस बात पर कंसिडरेशन दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और साथ साथ वीमेन कमीशन भी उन्होंने एक्शन लिया है, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि इससे एक एहसास होता है कि एक इस भारत देश में एक सम्मान और सुरक्षित का रक्षा करने वाले आप लोग हैं। चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसमें 72 घंटों के लिए बैन किया है आजम खान को, आपका पहला रिएक्शन? देखिए ऐसा है, पीछे रहो भाई, पीछे पीछे धक्का आ रहा है, मोबाइल पीछे करो यार, आराम से बात, आराम से हुआ है हमारे ऊपर जो टिप्पणी हुआ है बहुत निंदनीय है। मैं अपील किया था चुनाव आयोग से कि कुछ तो कार्रवाई करना पड़ेगा, तो मेरे अपील को उन्होंने कंसिडरेशन किया और उनका जो डिसीशन हुआ है, उनका एक्शन हुआ है इलेक्शन कमीशन से, तो मैं उसके लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और बाकी सब मैं इलेक्शन के बाद, इसके अलावा मैम क्या लगता है, जैसे 72 घंटे बहुत क्रूशियल होता है स्पेशली चुनाव कैंपेन में, अगर दूर रहेंगे तो इसका फायदा आपको होगा, बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर आपको फायदा होगा? देखिए इस बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है और चुनाव
जीत रहे हैं। आजम खान के लिए क्या मैसेज है जयप्रदा जी का, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अभी फैसला लिया है, एक महिला के तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आजम खान? देखिए, महिलाओं के लिए इस देश में सम्मान की जरूरत है, और जो मैंने इलेक्शन कमीशन चाहे महिला हम रिएक्शन लिया है, उन्होंने केस उनके ऊपर किया है, तो मैं महिला आयोग को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी, और साथ साथ जितने मेरे पार्टी के लोग हैं और भी जो इस देश के लोग हैं, जो प्रजा मुझसे जो मैसेज मुझे भेज रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उनको उन है, उन्होंने भी, महिलाएं भी, हमारे महिला नेता भी, सुषमा जी हो, हेमा मालिनी जी हो, स्मृति जी हो, उमा जी हो, और अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी मुझे एक साथ जुट होकर मुझे समर्थन दिया और उस टिप्पणी को खंडन किया, तो इस बात पर मैं उनको भी धन्यवाद दें, सारी जनता को, देश के सारे जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता। आजम खान ने कहा जिस तरीके से इससे पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे आजम खान को कि इस तरीके से आप बयानबाजी ना करें, सावधान रहें, चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है, नेताओं को बचना चाहिए ऐसे बयानों से? देखिए, मैं आजम खान साहब को कुछ नहीं कहूँगा, वो जितना चाहे वो कहें, हम सुनने के लिए क्षमता है। इसके अलावा मैम, योगी आदित्यनाथ जी का बैन लगा है और साथ में बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी बैन लगा है, योगी जी पर 48 घंटे का और मायावती जी पर 72 घंटे का, तो कहीं ना कहीं आप